दोस्तों आज की ये जो कहानी है वो है गोरखपुर शहर की रहने वाली स्वाति मिश्रा जी की, जो कि 7 साल से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डी से परेशान थी, बहुत प्रॉब्लम में थी। बहुत सारे डॉक्टर्स के दिखाया, बहुत सारे हॉस्पिटल में गए, इनको अपच की प्रॉब्लम थी, इनको क्रोनिक डायरिया हुआ करता था। कभी कभी ये दिन में बोलती थी 6-6 7-7 बार जाती थी, लेकिन पेट खुल के साफ नहीं होता था, पेट हमेशा कॉन्स्टिपेटेड रहता था। डिप्रेशन काफी हद तक थे, काफी लेवल तक थे, बेचैनी में रहा करती थी, घबराहट में रहा करती थी, पेट फूलने की समस्या थी, ब्लोटिंग की दिक्कत थी, हर वक्त बेचैन रहती थी, रात में सोते सोते उड़ जाती थी, फिर नींद रात रात भर नहीं आती थी। इनकी बहन जो इनके साथ सोया करती थी वो भी एक बार उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने भी पूरी कहानी इनकी पूरी सुनाई थी कि किस तरीके से ये रहा करती हैं, क्या इनका सीन था जब ये स्टार्टिंग में हमारे पास ट्रीटमेंट लेने आई थी, उस वक्त की बात है। लेकिन अभी का सीन ऐसा है कि इनको हमारे पास इलाज लेते हुए 4 महीना कंप्लीट आज हो चुका है और आज ये पूरा का पूरा ठीक है, इनको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। बोलती है केवल 1-2% वो भी थोड़ा गैस वगैरह की कभी कदार प्रॉब्लम होती है, जो कि मेरे पास जब ये 3रे मंथ में आई थी तो 80-85% ठीक थी, तब इनको गैस की थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन जब ये 4वां महीना भी पूरा कंप्लीट इनका ट्रीटमेंट हो गया, तब जाकर इनकी गैस वगैरह की भी प्रॉब्लम बहुत हद तक खत्म हो गई, बहुत थोड़ी सी बची है जो कि 5-10 दिन में वो भी इनकी समस्या रिजोल्व हो जाएगी। इनकी सबसे पहले आप पूरी कहानी सुनिए और अंत तक सुनिए, पूरी की पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, तब जाकर आपको सारी चीजें समझ में आएगी और आप भी तैयार हो गए अपनी IBS को क्योर करने के लिए, आप भी मोटिवेट हो गए। हाँ, स्वाति जी से बात हो रही ना? स्वाति मिश्रा जी जी सर, स्वाति मिश्रा से बात हो। मुझे ने कभी कभी फोन आपकी बहन भी उठा लेती थी ना, मुझे याद था। तो अभी कितना ठीक हो? अभी उस वक्त जब जब अभी 3रे महीने में मैंने बात किया था तो कितना बताई थी? 85% तक ठीक था, आप बताई थी 80-85, तो अभी कैसी हो? मैं 98% हूँ सर, वो हल्का सा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मुझे गैस में ही होता है। अच्छा, आपको भी थोड़ा बहुत बस गैस में है, तो उसमें भी तो आप बताई थी कि गैस की जो प्रॉब्लम है सर बस वही बची है, तो अभी भी बता रही हो कि गैस की प्रॉब्लम है। जी जी सर, वो होती है लेकिन इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं, मतलब उस वक्त क्या ज्यादा होती थी क्या? पहले ज्यादा होती। तो अब मुझे आप स्टोरी अपनी शेयर करिए कि कहाँ से बात कर रही हैं वैसे आप? जी मैं गोरखपुर से बात कर रही हूँ। अच्छा, गोरखपुर गोरखपुर। यूपी। तो अभी सब कुछ ठीक है? पहले जैसे नॉर्मल थी, सेम, बिल्कुल सेम टू सेम? जी जी सर, भगवान जो की कृपा। जो रात वगैरह में नींद नहीं आती थी? सर पहले तो बहुत नहीं आती थी सर, रात में रोना और रोना आ जाता था, डिप्रेशन होता था सर, ये सारी चीजों से बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी मुझे। अच्छा, मोशन कैसे आता? कितनी बार जाती थी दिन में आप? पहले पहले मैं बहुत ज्यादा जाती थी, अब मोशन जो है होता है मेरा, पहले होता था सर ऐसे कि मैं जाती थी, ऐसा लगता था कि मोशन अभी बस आ जाएगा, मैं जाती थी तो वहां बैठती थी, होता ही नहीं था, और होता भी था मतलब वो थोड़ा सा होता कॉन्स्टिपेटेड था। जी जी कॉन्स्टिपेटेड रहता था, कॉन्स्टिपेटेड तो रहता था। पतला जी आता था कि मोटा आता था वो? पतला पतला था। मतलब पेट खुल के साफ नहीं होता था? हाँ जी तो ऐसे कितनी बार, नॉर्मली लोग तो जो शिकायत करें 3 बार 4 बार, आपका कितना वैसे था? हो जाता सर, 7 बार 8 बार 10 बार कभी कभी। अच्छा, बस लेकिन खुल के साफ नहीं होता था। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अभी कैसा है सब? बिल्कुल ठीक ठाक है, बस वही बता तो रही हूँ सर कि मोशन थोड़ा बहुत मोशन गैस मोशन है। कितनी बार? अभी एक बार, मतलब एक ही बार में साफ हो जाता है पूरा पेट, हाँ एक ही बार में हो जाता है, खुल के आता है सुबह बिल्कुल? खुल के आता है सर, जैसे आना चाहिए नॉर्मल निशान। तो ये प्रॉब्लम क्या बताई थी? जिम से हुआ था आपको भी? जिम से हुआ था सर, अब बताइए, जिम से जिम हुआ था बेल्ट सर। बेल्ट लगा के करना चाहिए आप लोगों को, लेडीज भी यही गलतियां करती हैं, जेंट्स भी करते हैं, प्लस ढेर सारे हैं रनिंग करते हैं को भाई पर होकर, उनकी भी ये दिक्कत। और लोग कमेंट करते हैं आके, पूछते हैं कि भैया इतना दवा कर लिया ठीक ही नहीं हो रहा है। अभी यही आपका भी था शुरू में, इतना जी कर जी लिया, सर, ये इतना होता डॉक्टर था को दिखा लिया, ठीक ही नहीं हुआ। और जो डिप्रेशन एंग्जाइटी रहती थी वो सब कैसा है अभी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, पहले बहुत ज्यादा होता था, इतना ज्यादा होता था, घर वाले भी परेशान हो गए थे मुझसे अब पहले मुझे याद कि है जब सर। आप जब शुरू में आई थी रो रो रही थी, यहाँ पहले जी कॉल जी पे जी मुझे जी याद है। सर बिल्कुल तो कितना महीना हो गया कंप्लीट ये ट्रीटमेंट लेते सर, हुए? 4 महीने हो गए मुझे, कितना पुराना प्रॉब्लम था ये? ये था 7 साल पुराना, मैं 2018 में हूँ सर। मतलब ये 2018 की प्रॉब्लम थी, हाँ जी तो 18 जोड़ो कितना हो रहा है? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6, 3, 6, 7वां साल जी चल जी रहा है। अच्छा, 17 साल है। बोलिए मतलब ये नॉर्मली 7 साल, आपको ऐसा लग रहा है कि 7 साल से सर, 3रा महीना तो यही हो गया। सात, ये समझ लीजिए 7 साल की जिंदगी में ही लिप्स हो गए।
7 साल की जिंदगी लिप्स हो गई। अरे अब क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम है तो भी क्या करना है उसमें, अब वो तो झेलेगा ना। अब जिसके साथ है, अभी आपकी कहानी है, अभी आप ठीक हुए, बहुत सारे लोग हैं जूझ रहे हैं इनसे, हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं, लाखों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, रिपोर्ट पे रिपोर्टें करा रहे हैं, एकदम खत्म कर दिए जिंदगी। चल रहा है अभी सर हमारा भी क्या काम है, हम लोग भी चल रहे हैं अभी। वो तो वैल्यू आपको पता होगा कि 300-300 रुपये आपने पे किया, केवल उतने से ही आपको इतना आराम मिला। हाँ अभी जी डॉक्टर सर के पास चली जाती होगी, 1,000 रुपये फीस ले लेता होगा, 2,000 की दवा लिख देता होगा 15 दिन की, 15 दिन बाद फिर जाके दिखाओ, फिर 3,000 दो, फिर 3,000 दो, फिर 2,000 का टेस्ट कराओ, फिर 8,000 का ये करो, फिर 5 दिन हॉस्पिटलाइज रहो, ऐसा कर करके हाँ लाखों का बिल बैठा देता है आदमी। और लोग हमारे पास भी बहुत आते हैं, परेशान कुछ थी सर, कुछ बहुत कुछ परेशान कुछ थी। कुछ ऐसे एक आध दो ऐसे भी मरीज मेरे पास आ जाते हैं जिनको 300 रुपये में भी ऑब्जेक्शन रहता है, पे करने में नाटक करते हैं, तो थोड़ा तकलीफ होता है कि यार अब बताओ, इतनी खराब सी बीमारी लेके टहल रहे हो जिसका कोई इलाज नहीं कर पाता। हाँ उसके बाद डॉक्टर भी मना कर देता है कि तुम्हारे दिमागी प्रॉब्लम है, जाओ टहलो घूमो खाओ पियो, तुमको कुछ नहीं है, नाटक कर रहे हो, काम नहीं करना चाहते, पढ़ाई नहीं करना चाहते। हाँ ऐसा ऐसा करके डॉक्टर भी भगा देता है। और एक तो हम लोग इलाज करते हैं तो हमें कुछ कुछ लोग आके ऐसे ऐसे बातें बताते हैं, थोड़ा खुद को नहीं सर तकलीफ होता ऐसा है है कि ना सर, ये बात भी होती है ना, कोई नॉर्मल इंसान इस चीज़ का इलाज नहीं कर सकता सर, आप नॉर्मल हैं नहीं। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं सर, आधा मोटिवेशनल तो आपकी बातों से मिल जाती है, हाँ तो ये होता है नहीं मोटिवेशन आप इस कर बीमारी सकते में हो। देना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग 8-10 साल से जी इधर उधर इलाज करा करा के त्रस्त हो चुके जी होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि इसीलिए अभी यकीन अभी नहीं नहीं करते वो सुनो किसी पहले पे। हाँ उसमें। हाँ यही कि अभी इतने जगह पे दिखाया ठीक ही नहीं हुआ, अभी इनके पास ये तीन जी सौ रुपये वो भी ये सोचते 300 रुपये में कैसे करेगा, ये भी थोड़ा उनको ऑब्जेक्शन हाँ रहता है। अभी जब 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना ट्रीटमेंट, जब कम से कम 2 महीने जब ट्रीटमेंट चल जाता है तब उनको लगने लगता है 30-40-50% ठीक होने लगे, तो भरोसा होता है, अरे यार ये तो कमाल हो गया यार, जिस चीज़ का उम्मीद हमने नहीं हाँ किया जी था सर, यही ये यही वो चीज चीज़ें मेरे होने साथ लगी, हुआ है ये कैसे। हाँ यही चीज़ आपके साथ भी हुई, मुझे याद है, आप रो रही थी, आपकी बहन भी जी मुझसे बात की थी तो बता रही थी कि सर बहुत परेशान करती है, बगल में लेटी जी रहती है, सर, रात में उठ उठ के रोने बहुत लगती रोना है, आ रहा था सर, बोलती है कि बात नहीं कर पेट पा रही थी पेट आपसे। पेट दर्द करता है, ऐसा होता है वैसा होता है, जी दुनिया जी भर का जी चीज़ बताती थी। तो अभी ये 4 महीने में क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या लगता है कि सर स्टार्टिंग में कभी क्योंकि मतलब आपको मैंने ये चीज़ स्टार्ट लगा किया था कि था। हाँ कभी आपको ये लगा था कि ये कभी ठीक होगा, क्योंकि 6-7 साल आपने बताया नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं, झेल गई क्योंकि आप। 6-7 साल झेल गई, झेल चुकी थी सर, थोड़ी आदत से बनने लगी थी। मतलब ये होता ना कि ये दर्द से, ये इस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पाऊंगी थी। तो ये है कि भगवान ने आशीर्वाद के रूप में सर आपकी वीडियो मेरे पास भेज दी, मैंने देखी उसको सर। मुझे ये भी कहाँ यकीन नहीं वीडियो था कहाँ से मिली कि थी आपको मेरी? सर ये वीडियो यूट्यूब से मैं मुझे मिली थी, क्योंकि अच्छा यूट्यूब पे आप भी गूगलिंग यूट्यूब पे करते थे? मैं गूगल जी गूगल कर रही पहले बहुत करती थी सर। अच्छा तो अब तो नहीं करती, अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता नहीं होगा नहीं सर कि कोई अब तो सवाल ठीक ही हो, नहीं पूरा है का पूरा एकदम कोई ऑब्जेक्शन होगा ही नहीं, सब कुछ तो ठीक है, एकदम A to Z सब बढ़िया चल रहा है। जी जी सर बिल्कुल कितने डॉक्टर को दिखा लिया था ये 6-7 साल मैंने में? करीब 10 से 15 डॉक्टर हो चुके थे, क्योंकि इससे मैंने जो है साइकोलॉजी जो डॉक्टर नहीं होते हैं हाँ उनको दिमाग भी वाले मैंने दिखाया था, साइकेट्रिस्ट दिमागी बोलते हैं वाले उनको। जी 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 उनको भी मैंने दिखाया था, अब पेट वाले डॉक्टर को, गैस वाले जी, गैस्ट्रोलॉजिस्ट। हाँ बहुत दिखाया है सर। मैं नाम भी भूल गई हूँ इतने समय, मेरे पास इतने सारे बिल रखे हुए हैं डॉक्टर्स की, इतनी दवाई रखी हुई, मैं खा खा के थक गई और दवाई मेरी फेंक फेंक गई है सर। इसे समझिए झोला भर भर की दवाई रखी हुई थी मेरी, सब और बंद आपने सब बिना खत्म, दवाई के इलाज कर दिया मेरा। भरोसा ही नहीं होता। लोग ढेर आते हैं हमसे कहते हैं बिना दवा के कैसे इलाज करोगे, ऐसा कौन सा रोग जो बिना दवा का इलाज होता है। अब बताओ तुम, तुम्हारे रिपोर्ट में कुछ चीज़ आ ही नहीं रहा है, तुमको नहीं नॉर्मली आ कोई रहा है सर बीमारी है ही नहीं, पूरी जी, मसल्स की प्रॉब्लम है, जिम करके स्ट्रेच कर करके पूरा गद कर दिया अपने पेट का, और तुम दौड़ रहे हो मेडिसिन के चक्कर में इधर उधर, IBS से धीरे धीरे IBD बना दे रहे हो, उसमें ब्लड आने लग जा रहा है, अरे कितना स्टार्टिंग में स्टोरी क्या हो। होता था सर, मेरा मसला था मैं थोड़ी जो है फिगर आउट थी सर, थोड़ी मोटी मोटी थी मैं, तो मुझे तो वही था कि जिम मैं जिम जिम करके करूंगी। पतला करने का कोशिश कर रहे हाँ होगे। जी हाँ हाँ जी, हाँ चलो तो ठीक वही है, कोई बात कोशिश हुई नहीं, थी। स्टोरी आपने शेयर करी। तो माँ बाप क्या कहते हैं, घर वाले बहन भाई जो आपकी सिस्टर है, अब क्या कहती है कि घर अभी वाले तो परेशान थे पहले सर, नहीं, बहुत अभी अभी बहुत बताओ, उसको परेशान छोड़ो, वो दौर भूल जाओ, अब खत्म हो गया। अभी क्या थे कहते हैं जी घर जी वाले कि कैसे अभी ठीक हुई, अभी कौन किया, ये सब कुछ पता है हाँ क्या ये घर वालों पूछा को? था उन्होंने जी जी तो मेरी माँ बोलने लगी, मेरी मम्मी थी तो उन्होंने कहा है कि आपसे बात करवाने के लिए, कि आपसे वो बात करेंगी, आपको आशीर्वाद देंगी, शायद कुछ गिफ्ट वगैरह भी वो आपको देने के लिए कह रही थी। क्योंकि अच्छा सर बहुत जितना मैं परेशान थी, जितना उन्होंने देखा है मुझे दर्द में पीड़ा में, शायद कोई ना देखा हो सर, तो वो कह रही थी मुझे कि आपसे बात करनी है सर। इतने समय मैं थोड़ा ऑफिस ज्वाइन कर रही चुकी गिफ्ट हूँ की जॉब बात, के तो लिए बहुत सारे हैं ऐसे जो ठीक हो जाते हैं,
दे दे के जाते हैं। अभी मैं परसों की कहानी बता रहा हूँ, परसों एक बंदा ठीक हुआ, उसकी भी स्टोरी मैं डालना चाहता था कि यूट्यूब पे डालूँ, लेकिन बात ऐसी है कि वो बोल नहीं पाता है, मतलब उसको मतलब कि वो रिकॉर्डिंग पे बात नहीं करना कर पाता। वो बोलता है सर मुझे थोड़ा फियर फियर महसूस होता है, डर सा लगता है कि क्या बोलूँ, कभी मैंने ये ऐसा किसी से बात ही नहीं किया खुल के, तो क्या। तो मैंने इसको स्टोरी नहीं डाली, लेकिन वो भी उसके पेरेंट्स आए थे मिलने, मिल के गए, 10,000 रुपये मुझे कैश दे के गए कि भैया इसको गिफ्ट के रूप में रख लो, जो भी जी हुआ जी कोई बात नहीं, बहुत झेला हम लोगों ने, अभी आपने इतना ठीक किया, इतना रिलैक्स कर दिया हमारे बच्चे को। तो जी ये सर हमारे यहीं का था, हमारे यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर यहाँ से एक मुएमा एरिया पड़ रहा है, घनसियारी एरिया, अच्छा वो अच्छा उधरी साइड का है। तो प्रतापगढ़ के उधर तरफ कैसे? अच्छा हाँ ये उधरी साइड पड़ता है, प्रताप वही मुएमा साइड उधर नहीं, प्रतापगढ़ तो वो थोड़ा आगे चला जाए, ये हमारे इलाहाबाद में ही पड़ता है, इलाहाबाद के जस्ट बॉर्डर ही है, तो वही प्रतापगढ़ साइड ही है, लेकिन प्रतापगढ़ दूसरा ही है। तो मतलब कि अभी एकदम वो भी ठीक हो गया, उसको भी कोई दिक्कत उक्कत नहीं है, वो सब भी ठीक होता है, बस वो ना पुलिस की तैयारी कर रहा था, वो रनिंग कर रहा था, उसका प्रॉब्लम केवल 1 साल पुराना था, उसका ज़्यादा दिक्कत मतलब बढ़ा नहीं था, उसको लगभग 2 महीने में पूरा ठीक हो गया था। तो उसकी कहानी की 1 साल में भैया लाखों रुपए फूंक दिया, इधर उधर त्रस्त हो गए थे, मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा था कि मेरे लड़के पे कोई किसी ने कुछ करोड़ दिया है, वही पंडित मौलाना इधर उधर वही दिखाना शुरू कर रहे थे, तो उससे भी उनको कोई आराम नहीं हो रहा था, तो चल रहा था। तो जी चलिए सर ठीक है, कोई जी बात हाँ, नहीं। मेरी मम्मी भी काले जादू पे थोड़ा भरोसा करने लगी थी, वो भी इधर उधर करने लगी थी, पंडित के पास जाने लगी थी, अच्छा ऐसा हुआ कि था मेरे साथ में। दिखाएंगे क्या पता कुछ जी जादू जी वादू किसी ने किया उसी वो से मुझे। कहता, अभी तो मुझे हंसी आती है सर, मैं आपको क्या बताऊं, वो कहता कि किसी ने टोटका किया आपकी बेटी पे, ये अच्छा वो अरे सोच तो के अब ना मतलब उनका अब भी हंसी धंधा आती है नहीं, थोड़ी। अब देखिए अब उन लोगों का भी धंधा है भाई, चलना चाहिए, वो लोग भी कहीं ना कहीं से उसी से तो कमाई करते हैं, चाहे जो भी करें। तो जी बाकी ठीक है, किसी को सही गलत बोलने का कोई अपना या फिर इंटेंशन नहीं है ना, राइट है, जिसका जो काम है अपना क्या कर रहा है क्या नहीं, अब उसका दीन ईमान जाने, हम जो काम कर रहे हैं हम अपना जान रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं वो सब अपना अपना जाने, लेकिन ये है कि IBS की बीमारी है, दवा से इसका कोई लेना देना नहीं होता। बाकी चलिए जी ठीक हो गई सर आपकी, अब मैं इसको अभी सर बहुत कुछ लोगों को बहुत शेयर धन्यवाद करूंगा, जो भी सर। मेरे जो और भी हैं व्यूअर जो परेशान हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाऊंगा, दिखाऊंगा, ठीक है ना, जी इससे आपको कोई सर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं, मेरी वजह से किसी का फायदा हो मुझे। वही चीज़ ना भाई, आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आपने थोड़ा टाइम दिया वो लोग सुनेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया, आप जी अपना टाइम आपने सर 10-11 मिनट दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया, और ज़िंदगी में धन्यवाद खुश रहिए। जो गैस वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम बची है, जो मैंने अभी मैं एक वीडियो आपको भेज रहा हूँ, उसको डेली करते जाइए, कुछ दिन 8-10 दिन और कर लीजिएगा, प्लस आप उसमें जीरे का और अजवाइन दोनों एक एक चम्मच ना, एक टी पैन जिसमें चाय बनता है उसमें डाल दीजिएगा, उसको अच्छे से बॉयल होने दीजिएगा, मतलब 2 गिलास पानी डालिएगा, जब 1.5 गिलास बचे तो उसको उसमें एक बोतल में भर के, वो भी ऐसे बोतल में भरिएगा जो स्टील का हो या फिर वो तांबे का हो, तांबे में ज़्यादा ये शूट करता है, तो उसमें भर लीजिएगा और डेली सेक सेक कर करके इसको पीजिएगा, ये भी जो प्रॉब्लम है ना ये ओके कुछ दिन में जड़ से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आते थोड़ी बहुत वीकनेस उसमें अभी बची है, तो वो भी जो कमजोरी है ख़त्म हो जाएगी, तो खाना डाइजेस्ट होने लगेगा, एब्जॉर्ब करने लग जाएगा अच्छे से, और आपका वेट वगैरह जो जी 1 कट्ठा कम हो गया था वो सब भी धीरे धीरे जी जैसे अभी गेन हुआ है उसमें और गेन होकर नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये है कि देखिए थोड़ा फैट वाली चीज़ें अवॉइड करिएगा, ताकि आपको जिम वगैरह दोबारा करने की ज़रूरत ना पड़े, नॉर्मल हल्का फुल्का एक्सरसाइज करिए काफ़ी है, लेकिन हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको IBS की प्रॉब्लम रह चुकी है, तो अगर आप जिम वगैरह फिर से स्टार्ट कर दोगे तो हो सकता है, मैं ये कन्फर्म नहीं बोलूँगा, हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम दोबारा से होने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाए, तो इसको अवॉइड करिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद। चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो आप लोगों ने सुना, हर इंसान की ऐसी ही कहानी होती है, फाइनेंशियली भी इश्यूज होने लग जाते हैं, तकलीफ में भी रहता है। बहुत पैसा इन्होंने खर्च किया था, जैसा इन्होंने मुझे उससे बात करते हुए बताया था, बहुत तकलीफ में थी, इनके फैमिली वाले थे बोलते थे लगता है ये पागल हो गई है, इसको भूत शैतान है कुछ, बाबा तांत्रिक वगैरह को दिखाना चाहिए ताकि ये जो इनका फूक झाड़ कर सके। अजब अजीब अजीब तरह की जब प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों, लोग मजबूर हो जाते हैं, वो हर हद तक गुजर जाते हैं कि बस ये ठीक हो जाए, कुछ भी करके ठीक हो जाए, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते और ये भागते रहते हैं। ये IBS की प्रॉब्लम ही कुछ अलग तरह से है। आप किसी भी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हो उस चीज को लेने के लिए, तो हमेशा एलोपैथी सिम्टम पे काम करता है। सिम्टम से मतलब ये है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको नींद के लिए दवा दे देंगे, आपका पेट दर्द है तो पेट दर्द के लिए दवा दे देंगे, आपको दस्त हो रहा है तो
दस्त के लिए दवा दे देंगे, आपको कब्ज हो रहा है तो कब्ज के लिए दवा दे देंगे, जो भी सिम्टम है उसके आधार पे चीजें वहां पे वो लोग कहते हैं। एग्जैक्ट बीमारी पे गौर करने के लिए चीजें नहीं होती, जैसे कि आप होम्योपैथिक में देखेंगे, आयुर्वेदिक में देखेंगे कि वो लोग एक दवा ही देते हैं बीमारी को खत्म करने के लिए, लेकिन ये बीमारी को किसी भी मेडिसिन से, बात एलोपैथिक होम्योपैथिक आयुर्वेदिक की नहीं है, सारी पद्धति अपनी जगह पर बेस्ट है और उन हर इंसान को उस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये जो IBS है, किसी भी मेडिसिन से या फिर किसी पद्धतियों से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये केवल और केवल आपके सिम्टम को कम जरूर करता है, लेकिन प्रॉब्लम हमेशा के लिए वो बना ही रहता है। चाहे आज डे फर्स्ट की बात करो या फिर आप डे सॉरी पहले साल की बात करो या फिर 5वें साल की या फिर 20वें साल की, प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती है, वो रुकती नहीं है कि ये सारे सिम्टम इतनी ही रहेगी, वो धीरे 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 बढ़ती ही रहेगी। यहाँ तक मैंने देखा लोगों में कि IBS से वो IBD में कन्वर्ट हो गया और वो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम को फेस करने लगे। इसीलिए कहा कि आप भी इलाज कराइए, इस समस्या का समाधान करिए और अपनी जिंदगी को ब्राइट बनाइए। पास्ट में जो कुछ भी गुजर गया उसको भूल जाइए, पॉजिटिव होइए, प्लस आज से ही आप भी अपना ट्रीटमेंट शुरू करिए और आज से ही अपनी रिकवरी को स्टार्ट कीजिए, मात्र 300 रुपये मंथली बेसिस के चार्ज में। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया, फिर बता रहा हूँ कि ये जो केवल 300 रुपये अमाउंट वाला फीस है, ये केवल और केवल 2024 के 6वें महीने तक के लिए है, मतलब जून के लिए है, जून 30 तक ये वैलिड है, उसके बाद जुलाई 1 से ये फीस 500 रुपये कर दी जाएगी। इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग भी अगर परेशान हो तो इसका इलाज कर लो। हम लोग बहुत ही कम फीस में इलाज कर रहे हैं, इतना कम फीस कि ये एक तरीके से कंफर्टेबल हम सबके लिए ही नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी IBS के मरीज जितने ज्यादा परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं, तो उनकी मजबूरी समझते हुए हम इसके ऊपर लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनको ना के बराबर अमाउंट में उनको ठीक कर दे रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी मतलब एक तरीके से बात है। ये जब स्टार्टिंग में मेरे पास आई थी, ये कंप्लीट 2 महीने इधर मान लीजिए 300-300 रुपये उन्होंने खर्च किया था और पास्ट के में 200-200 रुपये, तो 3 × 2 = 6 और 200-200 = 400 उधर जोड़ लीजिए, टोटल 1000 रुपये में इनको मैंने पूरा ठीक कर दिया। अभी यही समझिए कि ये अब मेरी स्ट्रेंथ समझ लीजिए या फिर मेरी IBS के मरीजों के प्रति भावना समझ लीजिए, जो भी समझिए, लेकिन कुछ सीन ऐसा ही मैं लगभग कई सालों से कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ा हमारी टीम बड़ी होने की वजह से थोड़ी कुछ इश्यूज आने शुरू हो गए, इस वजह से थोड़ा प्राइस इंक्रीज करने की मुझे जरूरत पड़ती है, नहीं तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कोई सीन ना बनाया जाए कि महीने के चार्जेस 5000 लिए जाएं या महीने के चार्जेस 10000 लिए जाएं। इसीलिए हमने बहुत छोटा अमाउंट ऑलरेडी सेट कर रखा है, आप भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करो, आपकी समस्या का समाधान 100% हो जाएगा। देखिए, IBS का इलाज करना पॉसिबल दवाइयों के थ्रू नहीं है, आप कोई भी रिपोर्ट करा लो, आप कुछ भी कर लो, उसके सिम्टम बिल्कुल अलग ही होते हैं और इतने सारे सिम्टम होते हैं कि आप किसी एक मेडिसिन से उसका इलाज करना इनपॉसिबल होता है। तो आपको इस बात को समझना होगा और सीरियस होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। और जो आप एक एक दो दो दिन में ठीक होने की तैयारी बनाते हो, सोचते हो कि ये कर लूंगा ये कर लूंगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं होने वाला ठीक, किसी एक्सपर्ट के देख रेख में ही उस चीज को रिकवर किया जा सकता है, अपने आप को ठीक किया जा सकता है। तो आप भी परेशान हो, संपर्क करिए और अपनी रिकवरी आज से ही आप भी शुरू कर दीजिए, 100% ठीक हो जाएंगे। हजारों लोग ठीक हुए, लगातार ठीक, और हर रोज ठीक हो रहा। अभी स्टोरी जाके देखिए, वीडियोस में बहुत सारी स्टोरीज मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखी, मेरे चैनल पर जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा आपको, और मोटिवेशन मिलेगा कि इतने सारे लोगों को तो इन्होंने ठीक किया, अभी मैं भी ठीक होऊंगा, मुझे भी ये जो समस्या है, लंबे समय से मैं परेशान हूँ, मैं भी ठीक होऊंगा। तो निगेटिविटी त्याग दीजिए, माइंड से निकाल दीजिए और पॉजिटिविटी लाइए और इलाज आज से ही शुरू करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।